अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद नबील, आप लोग देख रहे हैं गुजरिज़म। आज हम लोग आए हैं सेवर, जो कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में लोकेटेड है। और हम लोगों ने नजीब स्पोर्ट भी ट्राई किया, सुनील शर्मा भी ट्राई किया, लेकिन अब सेवर को नहीं भूले क्योंकि सेवर यहाँ की शौकात है। तो आप लोग जब भी आए इस्लामाबाद, सेवर को टेस्ट किए बिना यहाँ से जाना नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। और आप लोगों को यहाँ के स्पैक भी दिखाने थे, सिनेमैटिक्स भी दिखाने थे, लेकिन डाइनिंग का मसला है, वो अंदर बैठ के खाना नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से मैं नहीं दिखा पाऊँगा, तो उसके लिए माजरत। तो अभी जब ऑर्डर आता है तो आप लोगों को मज़ीद बताते हैं क्या क्या है यहाँ पर। अच्छा जी, हमारा मेन पुलाव आ गया, जिसकी वजह से ये सेवर मशहूर है, यहाँ की सौगात। इसके साथ हम लोगों ने मंगवाया है रोस्ट चिकन का, और बाकी ये भी पुलाव है, साथ हमारा रोज सिप है और पीना कुलाटा है। चलें, अब खाने की बारी रहेगी, आपको खा के बताते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर हमारा आ गया, हम लोग अभी खाने के लिए तैयार हैं, तो अभी खा के दिखाते हैं आपको। यार, चावलों का टेस्ट मेरी नज़रों में तो ठीक ही है, उतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अभी देखिए शामी और चिकन के साथ खा के देखते हैं कि शायद अच्छा बन जाए कॉम्बिनेशन। यार ये शामी बड़ी हैवी है, शामी चावल बिल्कुल फारिग थे, लेकिन शामी ने चार चांद लगा दिए उसको, शामी के साथ ही खाना पड़ेगा अभी। अच्छा जी, इनकी रोज सिप है, ये ट्राई करके देखते हैं। यह सबसे पहले जो टेस्ट आया ना मुझे, वो आया रोज़ का, क्योंकि रोज़ सिप है, नाम में भी रोज़ है, तो रोज़ एसेंस इसमें डाला हुआ उन्होंने, तो रोज़ की बिल्कुल टेस्ट आ रहा। और बाकी ये बताना चाहूँगा कि ये स्टिंग टाइप है, यानी जिस तरह का स्टिंग का जायका है ना, उसी तरह का जायका है इसका, लेकिन आपको एक एरोमा आता है रोज़ का। तो अब हमारी बारी है ये रोस्ट खाने की, तो रोस्ट खा के देखते हैं। और तू जा, है ना यार, काफ़ी दफ़ा रोस्ट खाए हैं, लेकिन इसके अंदर ना एंड तक तय, हर तय के अंदर मसाला आप लोगों को फील होता है, और इतना स्पाइसी भी नहीं है, बड़े ज़बरदस्त मसाले लगे हुए हैं, हल्के फुल्के, और आपको बहुत ही मतलब के टेस्ट कराएंगे, इंजॉय करवाएगा ये रोस्ट, अच्छा रोस्ट है। और मज़ीद अभी खाते हैं और बताते हैं क्या क्या इसमें। यह मैं कहता हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त है, टेस्ट बहुत अमेजिंग है, ना कोई इतने ज़्यादा मसाले हैं, ना कोई स्पाइसी है, बड़ा बेहतरीन बना हुआ है, और ये चावलों के साथ अगर आप खाएं ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड, चावलों का जायका इतना अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें यखनी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, फीके टाइप थे, बाकी शामी और रोस्ट वॉज अमेजिंग।